अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लव योरसेल्फ विद सना। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ। सो फिक्र मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आई थी थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए हस्बैंड के साथ। बस वॉक तो हो गई है मेरी डन और अब हम घर में जाएंगे। खाना वाना खाकर हम सीधे वॉक के लिए निकल गए थे, लेकिन मेरा होवर करना बाकी था तो मैं जल्दी से होवर कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम गए थे क्लियरेंस बार्गेन और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ मिली थी जिसे मैंने सरप्राइज़ रखा था। सो वो ये है मिनी ओवन। सो अगर आपको भी इसे ख़रीदना हो तो आप इसे क्लियरेंस बार्गेन से बाय कर सकते हैं। हमें ये बहुत ही अच्छा लगा और शायद आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी ले सकते हैं। सो बस क्लीनिंग करने के बाद अब मैं सुबह के खाने की तैयारी रात से ही कर लूँगी, ताकि सुबह में मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से खाना भी बन जाए। तो यहाँ पर हमने निकाल लिए थे भिंडी और इसके साथ बनाएंगे हम गोश्त। तो यहाँ पर मैं गोश्त को भी निकाल कर डिफ्रॉस्ट करने रख दूँगी, ताकि सुबह तक अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाए। सो अभी यहाँ बज रहा है रात के 9:10। मैं हमेशा अपनी घड़ी 15 मिनट आगे रखती हूँ, इस वजह से आपको टाइम गलत दिख रहा होगा। सो ईशा का वक्त भी हो चुका है तो मैं जल्दी से ईशा पढ़ लूँगी और आपसे फिर मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को बच्चों को सुलाते इतनी देर हो गई कि मुझे कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला। सो बस अब हो गई है यहाँ पर सुबह और मैंने बच्चों को रेडी कर लिया है और अब मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। तो आज मैंने नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके मैचिंग ज्वेलरी पहन लेती हूँ। सो बस मैं नीचे आ गई थी रेडी होकर और मैंने अपने छोटे बेटे को भी रेडी कर दिया था और ये आराम से अपने कॉट में बैठकर टीवी देख रहा है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सुबह में ही रेडी कर लूँ और ख़ुद भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बस बच्चे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। आदम यहाँ पर अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। अब इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उन लोगों को खाना था अंडा पराठा। सो जल्दी से अंडा पराठा बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं ये रेडीमेड वाले पराठे यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं कभी कभार अपने बच्चों के लिए फ्रेश रोटी भी बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं जल्दी में होती हूँ तो ये वाले पराठे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही बना लेते हैं हस्बैंड के लिए टोस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड 2 टोस्ट सुबह में खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते। तो जल्दी से नाश्ता रेडी कर लेते हैं। तो जल्दी से बच्चों को भी ब्रेकफास्ट दे दूँगी। और सो आज का खाना बनाया था मेरी सास ने, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर करूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरी सास ने ले लिया था गोश्त को अच्छे से धोकर और उसमें ऐड कर दिए थे सारे मसाले, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से उबाल कर इसे पका लिया था। दूसरी तरफ मेरी सास ने ले ली थी एक फ्राइंग पैन, उसमें ऐड कर दी थी अनियंस और उसे पिंक करके उसमें ऐड कर दिया था भिंडी और साथ ही सारे मसाले भी ऐड कर दिए थे और उसे अच्छे से पका लिया था। और उसके साथ ही उन्होंने ऐड किया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसमें ऐड कर दिया है पिसा हुआ टमाटो और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे तब तक पकाया जब तक कि वो अच्छे से गल ना जाए। अब इसमें ऐड कर दिया है हमारा पका हुआ गोश्त और बस ये रेडी है। लेकिन हमें अभी दोपहर का खाने की तैयारी करनी है। सो यहाँ पर मेरी सास ने बनाई थी लेफ्ट ओवर चिकन से पिज्जाज, जो हम नए ओवन में बनाने वाले थे। हमने सोचा था कि हम आज बनाएंगे कुछ मीठा नए ओवन में, लेकिन पिज्ज़ा की सारी चीज़ें हमारे पास थी तो हमने सोचा कि पिज्ज़ा बना लेते हैं। और साथ ही हमारा जो भिंडी गोश्त था वो भी रेडी हो चुका है, तो मैंने उस पर ऐड कर दिया है धनिया। और आज के सारे खाने मेरी सास ने बनाए थे, माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस अब जल्दी से आदम का होमवर्क करवा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त आदम को भी देना ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये होमवर्क मेरी सास करवा रहे हैं आदम को। मेरी सास माशाल्लाह से टीचर थे एक ज़माने में, तो वो हमेशा आदम का होमवर्क करने में हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया था खाने का वक्त, मैंने बच्चों को खिला दिया है, अब मैं खुद खाना खा रही हूँ। सो माशाल्लाह से ये ओवन बहुत ही अच्छा है, हमारे पिज्जाज बहुत ही नाइस बने थे। तो खाना फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, मैंने अपने छोटे बेटे को सुला दिया है। जब मैं इसे सुला रही थी तब मुझे फ़ोन आया था मेरी देवरानी का कि उन्हें कुछ काम है, तो हम जा रहे हैं शॉपिंग में, तो आप भी मेरे साथ चलिए। मेरी देवरानी को बाय करनी थी कुछ बेबी की चीज़ें, उनके रिश्तेदार में किसी के वहाँ पर बेबी गर्ल हुई है, सो हम उनके ही चीज़ें बाय करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या और कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए थे यहाँ पर कार्ड फैक्ट्री में, पर उसके सामने ही था ये शॉप, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ से कुछ बाय कर लेते हैं। यहाँ पर इतने खूबसूरत से टेडी बेयर थे और जिसके साथ गिफ्ट वगैरह रैप किए हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
और अब आ गए हम कार फैक्ट्री के अंदर और यहाँ से बैग बाय कर रहे हैं कपड़ों के लिए। सो देखते हैं कौन सी वाली बैग पसंद करते हैं। हमें सारी चीज़ें पिंक चाहिए थी तो हम ज़्यादातर चीज़ें पिंक बाय करेंगे। सो हमने कपड़ों की बैग भी ले ली है। अब यहाँ पर से ले रहे हैं हम बलून। हमें चाहिए था बेबी गर्ल वाला बलून, सो हमने ये वाला पसंद किया था और ये वो लोग ने रेडी करके हमारे लिए निकाल दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें लेकर हम वापस से घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेनी है मुझे आदम के लिए कुछ बुक्स, तो जल्दी से वो बुक्स लेते हैं और कुछ और भी चीज़ें लेते हैं क्योंकि अब नया ओवन आया है। तो हमने सोचा है कि कुछ चीज़ें भी बाय कर लेते हैं और आदम को भी साथ में एंटरटेन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आई हूँ लेने के लिए ब्राउनी का पैकेट जो रेडीमेड होता है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ब्राउनी का पैकेट ले लेते हैं। और साथ ही चाहिए थे मुझे कुछ कंटेनर, तो मैं जल्दी से अल्ता में से वो कंटेनर्स भी ले लूँगी। सो बस इतनी ज़ोरों में बारिश गिरने के बाद अब यहाँ पर निकल आई है धूप। अब चलते हैं घर और आपको घर जाकर दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। सो बस हम आ गए थे घर पर और मैंने आदम के लिए बुक ली थी और ये बहुत ही अच्छे बार्गेन में मिली थी। सो मेरी देवरानी टीचर है तो उन्होंने बताया कि ये आदम के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है और साथ ही उसे एंटरटेन करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ और भी लेकर आऊँ। तो हम लेकर आए हैं यहाँ पर ये ब्राउनी का पैकेट जिसे हम दोनों मिलकर बनाएंगे और आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। और साथ ही लेकर आई हूँ ये बटर ताकि हम इसमें केक भी बना सकें। और मैं साथ ही लेकर आई थी ये दो नए टिन्स और ये केक के लिए हैं, तो इंशाल्लाह से हम केक भी इसमें बनाएंगे और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी देवरानी की सारी चीज़ें जो वो बेबी गर्ल के लिए लेकर आई है। तो ये सब कुछ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ पर हो गया है शाम के खाने का वक्त और मुझे रोटी बनानी है, तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी देवरानी रोटी बेल रहे हैं और मैं जल्दी से रोटी सेक लूँगी। हम दोनों ऐसे ही हमेशा मिलकर काम करते हैं और काम झटपट से हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने शाम के खाने के लिए बनाया था भिंडी गोश्त, तो वो तो रेडी है, बस हमें अब गर्म करना है और सबको देना है। तो बस जल्दी से सबको खाना देते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बस खाना खाने के बाद अब हो गया है यहाँ पर मगरिब का वक्त, जल्दी से नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ अच्छा सा डिज़र्ट इंजॉय करेंगे। सो मीठे में हम खा रहे हैं ये आइस लॉली केक, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये मेरी देवरानी लाए थे। पर दो खाना बहुत ही मुश्किल है, एक में से मैं आदम और जैन शेयर करने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी मीठा और अच्छा होता है और खाने में थोड़ा हैवी होता है, तो हमने सोचा है कि हम तीनों एक साथ शेयर करेंगे और ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है। केक को फिनिश करने के बाद हम आ गए थे ऊपर और मैं इंतज़ार कर रही हूँ ईशा की नमाज के लिए। अब आपको भी कहना चाहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखे, खुश रहे, बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड लव योरसेल्फ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।